नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच भारतीय टीम में कोरोना के मामले सामने आने के बाद रद्द करने का फैसला लिया गया। पांचवा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जाना था। इस बात का आकलन मैच शुरू होने से एक दिन पहले से ही लगाया जा रहा था। टीम इंडिया के सहायक फिजियो योगेश परमार कोविड-19 में संक्रमित पाए गए थे। हालांकि मैच के दिन यानी कि 10 सितंबर को इस बात की पुष्टि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कर दी। सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा था। इंग्लैंड ने बीसीसीआई के साथ बातचीत के बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि मामला इतने आसानी से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामले को लेकर बीसीसीआई और ईसीबी आमने सामने आ गई। ईसीबी ने जो अपनी पहली प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें फोरफिट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके अनुसार भारत ने टेस्ट मैच खेलने से मना किया है और इस आधार पर पांचवा टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गई। लेकिन बीसीसीआई ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसके बाद इंग्लैंड ने यह शब्द अपनी प्रेस रिलीज से हटा दिया। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे थी और मैच न होने की स्थिति में टीम इंडिया को सीरीज में जीत मिल जाती, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईसीबी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा है कि भारतीय टीम ने खेलने से मना किया है तो टीम को वॉकओवर मिलना चाहिए और सीरीज 2-2 होनी चाहिए। लेकिन जल्द ही बीसीसीआई की प्रतिक्रिया भी इस पर आ गई और कहा कि मैच को फिर कभी कराने का प्रयास किया जाएगा। हमने फिलहाल के लिए टेस्ट मैच कैंसिल किया है, यानी कि दोनों बोर्ड अब इस पर अड़े हुए हैं, यानी अभी भी टीम इंडिया सीरीज नहीं जीत पाई है। अब तो चर्चा यहां तक शुरू हो गई कि सीरीज का आखिरी मैच जुलाई 2022 में कराया जाए। बीसीसीआई मैच को किसी और समय खेलने के पक्ष में है। सीरीज में अभी भी टीम इंडिया 2-1 से आगे मानी जाएगी। अब देखना है सीरीज का ये आखिरी टेस्ट मैच कब खेला जाता है। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच नॉटिंघम में बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था, लेकिन फिर दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स के मैदान पर हरा दिया था। इसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारत को पारी और 76 रनों से हराया था। चौथे टेस्ट मैच में एक बार फिर टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड को 157 रनों से हराते हुए सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।